कैन यू ड्रॉप इट, ये सेशन जो थंबनेल में क्लिक किए हैं अभी इस वक्त, ये सेशन ड्रॉप मत कीजिए, कुछ और चीज के बारे में इस सेशन में बात हो रही है, जो हम बात करते हैं ड्रॉपिंग के बारे में, वो आपको आगे पता चलेगा, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आज संडे का दिन है, आप सब लोग रिलैक्स्ड हो, सब घर के काम खत्म करके आई गेस आप आके ये सेशन देख रहे हो। ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो कई बार होता है ना, हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, खुद से कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं जो हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करता है। वैसे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉप इट। बहुत सारी चीजें हम पकड़ के बैठे हैं, वो तो क्या है देखेंगे, पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा ये बीच में ये वीडियो को। आज हमारे साथ बहुत जबरदस्त टीचर है हर्ष भैया, एंड हर्ष भैया आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है हम लोग पिछले करीब 2.5 साल से रोज करते आ रहे हैं, यही पर्पस है, जो भी ये सेशन देख ले एक बार तो देख ले, उसके तो चेहरे पे पक्का स्माइल आ जाती है, उसकी पूरी लाइफ सेलिब्रेशन बन जाती है अगर वो देखता रहे तो, और वो औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आता है, बहुत सारी, और हम सब मिलके चाहते हैं कि एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें, यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है पूरी तरीके से, और इसी को लेके आगे भी बढ़। एंड ये सेशन बहुत इनफॉर्मल है, जैसे आप देख ही रहे होगे, ऑफ कैमरा भी देख रहे होगे किस तरह हम लोग के ग्रुप आपस में बातें करते हैं, and it is like a group of devotees came together and we are just talking. Harsh bhaiya, aapko bhi introduce karna chahunga main group ke aage. So talking about him, he is a senior data analyst by profession. He has profound interest in mathematics. He is an art of living teacher and a yoga instructor. He is a craniosacral therapist and student of Hindustani classical music. He enjoys being with nature, listening to and singing songs. Anything artistic, he would be intrigued by it. Today, he is here to share some of his experience while being on the path. Yes. हर्ष भैया, हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप छोड़ने की बात कर रहे हो, थोड़ा समझ नहीं आया, प्लीज बताइए। थैंक यू, वेलकम एवरीवन। हिंदी चलती है ना यहाँ पे सबको? वैसे मैं काफी फॉलो करता हूँ, मैं जूम सेशन में जनरली नहीं आता, मैं यूट्यूब पे बहुत फॉलो करता हूँ। आई वॉच दी सेशंस एट माय ओन टाइम, तो काफी इंटरेस्टिंग लोग आते रहते हैं, एंड यस, जैसा आपने बोला, काफी इनफॉर्मली लोग बातें करते हैं, और इससे क्या होता है ना कि जो भी दर्शक है, जो भी उसको देख रहा होता है ना, वो भी कनेक्ट कर पाते हैं। एक फॉर्मल होता है वो, क्या ऐसे बैठ के सामने से, आप दर्शक हैं आपको पता है, तो आप सामने से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जब आप ऐसे इनफॉर्मल सेशंस करते हैं ना, तो उससे हमें भी ऐसा लगता है कि हम उस सेशन का ही पार्ट हैं। इट्स नॉट जस्ट वन स्पीकर, समवन हु हैज कम एंड वो बोले जा रहा है और आपको कुछ फॉलो करना है, आपको फ्रीडम रहती है, आप कुछ पूछ सकते हो, आप कुछ अपना योगदान दे सकते हो, राइट? तो आई हैव सीन हाउ पीपल, यू नो, ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो, हाउ पीपल आस्क क्वेश्चंस और ऑल्सो गिव देयर इनपुट्स इन दीज सेशंस। तो या, यू आर डूइंग गुड वर्क अभिषेक जी। हाँ, तो काफी लोग हैं जिनका वीडियो ऑफ है, तो अभिषेक जी ने बोला ऑल्दो कि आप सेशन छोड़ के मत जाइएगा, मैं बोलता हूँ या तो आप 100% यहाँ पे रहो या फिर 100% कुछ और कर लो, राइट? तो जीवन में जो करो, हम तो 100% जीना सिखाते हैं भाई, 100% यहाँ रहो या कहीं और रहो, 100% रहो, दैट्स दी मोटो। जैसे आपने बोला ना, गुरुदेव का विजन है एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी, उसका तो, उसकी तो नींव ही यहाँ पर है, हम स्टार्ट ही उससे करते हैं, हैप्पीनेस कोर्स, उसमें एक पॉइंट सेकंड है, यही तो होता है, 100% जियो,
whatever you do, be 100% with it, right? ओके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले, थोड़ा समय ले लें बट वीडियो ऑन कर लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं लगे तो बता देना. ओके अभिषेक भैया ने जैसे बोला ना, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आज ड्रॉप करने की बात है. तो मैं एकदम स्टार्टिंग से, एकदम शुरुआत से शुरू करता हूँ, बेसिक लेवल से, राइट? तो ये जो हमारा जो जीवन है, तो ये यू नो कैसे जा रहा है. ऋषि जी जैसे बोलते थे, ऋषि नित्य प्रज्ञ जी, आपने आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा. तो जैसे वो बोलते थे, ये मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है, यू नो दीज स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स दैट दे मेक अप लाइफ. और इस मोमेंट टू मोमेंट जाने वाले जीवन में दो सेक्शंस होते हैं, एक अपने अंदर की दुनिया और एक अपने बाहर की दुनिया, राइट? अच्छा, बाहर की दुनिया क्या है? व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, राइट? व्यक्ति पीपल, वस्तु थिंग्स एंड परिस्थिति सिचुएशंस. पीपल थिंग्स एंड सिचुएशंस दे मेक अप आवर आउटर वर्ल्ड. अंदर की दुनिया क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो. दीज फोर मेकअप आर इनर वर्ल्ड. अच्छा, अगर आप देखें तो बाहर की दुनिया का प्रभाव अंदर की दुनिया पर पड़ रहा है, ये हम देख रहे हैं. देख रहे हैं कि नहीं? सब लोग जानते हैं ये? बहुत बढ़िया. अब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, कुछ भी बाहर घटित होता है, अंदर वैसा एक इमोशन जगता है, अंदर की दुनिया उस तरह से चेंज हो जाती है, राइट? अब जैसे अंदर की दुनिया है, उसका भी प्रभाव बाहर की दुनिया पर पड़ता है. अब देखो, आपके आसपास कोई बच्चा आ जाए जो एकदम प्रफुल्लित है, उत्साहित है, खुश है, आप कैसे भी मूड में हो, आप कैसे, आपका मूड चेंज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखो कोई एक सैड आदमी आके, कोई इंसान आके आपके पास बैठता है, तो कैसे आपके अंदर का, कैसे आपके अंदर चेंज हो जाता है कुछ, राइट? तो हर किसी के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया पर भी प्रभाव डाल रही है. और ये दोनों का समन्वय बनाना, आपस में समन्वय बनाना, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं. इफ यू कैन ब्यूटिफाई योर इनर वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आर्ट ऑफ लिविंग इज, राइट? ओके. अच्छा, हम पाने के लिए कितना कुछ ट्राई करते रहते हैं, राइट? हम आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने, काफी लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ सेशंस हुए थे, जिसके अंदर एक सेशन था मैनिफेस्टेशन पे जो तनिका जी ने लिया था, और एक सेशन था हाउ टू ड्रॉप थिंग्स, हाउ टू ड्रॉप योर स्मॉलनेस, जो मेघा जी ने लिया था. अभिषेक भैया आपको, आई एम श्योर आपको याद होगा. तो उन सेशंस में मेन बात क्या थी कि आप अंदर से खाली हो जाओ, राइट? अब अंदर से जो खाली होने वाली जो बात है, अच्छा खाली कैसे होना है ये देख लिया, पर क्वेश्चन खाली करने से पहले क्या आता है, कैन यू ड्रॉप इट? अच्छा, ये बहुत कंसाइज स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली थ्री स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर. कुछ भी हमारे अंदर, कोई भी टेंडेंसी जगती है, कोई भी वृत्ति जगती है. अभी इतने सारे सेशंस हो गए, वृत्तियों के बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, पर आई थिंक इसके बारे में डिस्कशन हो भी चुका है. अभिषेक भैया यू कैन करेक्ट मी अगर नहीं हुआ है तो. हुआ है, यस. हाँ, तो हमारे अंदर जो जो वृत्तियां जगती रहती हैं, राइट, उनको तीन फिल्टर्स लगाने हैं हमें. पहला, इज इट रियल? पहला क्या है, इज इट रियल, क्या यह वास्तविक है? दूसरा फिल्टर, इज इट वर्थ कीपिंग इट? और तीसरा, जब आप डिसाइड कर लो ना, इज इट वर्थ कीपिंग इट, जनरली क्या हमेशा ही आंसर होता है नो. अब आप देखो, मैं आपसे पूछूं, मैं कुछ टेंडेंसीज के बारे में बोलता हूं, आप बताएं रखने लायक है या छोड़ने लायक है. कैन वी डू दिस? पहले तो ये बताओ, कैन वी डू दिस? थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं, राइट? अच्छा, उत्साह रखने लायक है या ड्रॉप करने लायक है? रखने लायक है. कैसे पता?
पता है भाई, प्रेम रखने लायक है, ड्रॉप करने लायक है, रखने लायक है, अगेन पता है। अच्छा, क्रोध आक्रोश रखने लायक है, ड्रॉप करने लायक है, सबको पता है, ड्रॉप करने लायक है। सैडनेस उदासी रखने लायक है, ड्रॉप करने लायक है, सबको पता है। कैसे पता है? अच्छा, ये किसी को नहीं पता, कैसे पता है? पता है, राइट? तो पता सबको है कि क्या रखने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ये हमने एक सेशन में ऑलरेडी देखा है, पर उससे पहले तीन फिल्टर्स। क्या आपको यदि भय हुआ, फियर हुआ, तो अच्छा इज इट रियल? अच्छा, भय देखेंगे ना, भय का आप हर टेंडेंसीज के बारे में, टेंडेंसी के बारे में ये देख सकते हैं, भय का नेचर क्या है। भय होता है कुछ चीज इमेजिन करके। भय क्या होता है? कभी भी वो सामने कुछ होता है ना, उसके बारे में नहीं, कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर लिया, फ्यूचर को लेके भय होता है। पास्ट को लेके भय हुआ है क्या कभी? आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? तो कुछ सोचा, इमेजिन किया, उसके बारे में भय हुआ। तो इज इट रियल? यस, नो, नो। तो फियर इज नॉट रियल, वेरी गुड। सेकेंड फिल्टर इज इट वर्थ कीपिंग इट? अभी सबने बताया, इज इट वर्थ कीपिंग फियर? यस, नो, अगेन। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे मेन क्वेश्चन है, मेन पार्ट तो वही है भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या? आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट? आर यू करेजियस इनफ? वो कहते हैं ना, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है। जब अपने साथ बैठते हैं और अपने अंदर की जो भी गड़बड़े समझ आती हैं, तो जिगरा लगता है उसे, उसे उसका सामना करके उन्हें उनसे निजात पाने के लिए। तो द क्वेश्चन रिमेन्स इज, आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट? और यही इस सेशन का सार है। तो अच्छा, अगर आप देखें तो नेचर, कॉन्शियसनेस, गॉड, कुछ भी कहो, बनाने वाले ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, एक लेवल पे। हर किसी के अंदर पांच सिद्धियां दी हुई हैं, राइट? पहली सिद्धि क्या है, जानना चाहेंगे? पहले तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ओके, जानना चाहेंगे। तो पहली पहली सिद्धि क्या है? पहली सिद्धि ये है कि आप जब जो जगाना चाहो, जब जो भाव जगाना चाहो, आप एट विल, ऑन डिमांड वो जगा सकते हो। अभी देखो, अभी अगर आप चाहो और मैं बोलूं कि उत्साह जगाओ, तो आप उत्साह जगा सकते हो, इट इज इन योर हैंड्स। बोलो प्रेम जगा के देखो, होगा? तो आप जब जो भाव जगाना चाहो, यू कैन इन्वोक एनीथिंग एट विल, ऑन डिमांड, एनी टाइम। ये सिद्धि सबके अंदर दी हुई है, किसी के अंदर शायद थोड़ी कम है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो उतनी ज्यादा मंजती चली जाती है, राइट? अच्छा, दूसरी सिद्धि क्या? आप जब जो भाव छोड़ना चाहो, जब जो वृत्ति छोड़ना चाहो, आप तब वो छोड़ सकते हो। ये भी सभी के अंदर है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप छोड़ सकते हो, आपके अंदर ये है सिद्धि। अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड, तीसरी सिद्धि क्या है? आप बार बार कोई भाव जगाते रहते हो ना, तो उसकी आदत पड़ती रहती है। अब जैसे कुछ लोगों को देखोगे ना, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो खुश रहते हैं। अच्छा, उनसे पूछो तो क्यों रहते हो? आदत है भाई, कुछ लोगों के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। अच्छा, कुछ लोगों में देखोगे, उनकी टेंडेंसी, उनकी आदत ही ये है, उनकी हैबिट ही ये है, कोई अगर जरूरतमंद मिल जाए, वो इंसान सबसे पहले आके खड़ा हुआ मिलता है।
ऐसे होंगे ना सबके लाइफ में लोग। तो जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो, जब जो भाव छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। जैसे अगर आप बार बार कोई भाव जगाते रहते हो तो फिर उस वृत्ति की, उस भाव की आदत लग जाती है। चौथी वृत्ति इसी से रिलेटेड है। आप बार बार अगर कोई वृत्ति छोड़ते रहोगे तो छूट भी जाएगी। अगेन टाइम लग सकता है, पर बार बार करने से उसकी वो छूट जाती है पूरी। जैसे बार बार कुछ काम करने से उसकी आदत लग जाती है, वो आपके नेचर में आ जाता है, वैसे ही आप कुछ चीज बार बार छोड़ते रहोगे तो वो नेचर से निकल जाता है, राइट? और इन सब के बाद, अच्छा अभी तक क्या हुआ? जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो, जब जो भाव छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। तीसरा, बार बार कोई भाव जगाते रहोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। चौथा, बार बार कोई भाव, कोई वृत्ति छोड़ते रहोगे, कोई भाव छोड़ते रहोगे तो फिर वो छूट भी जाएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, आई वुड से, आप जब जिस विषय को जितना मन देते हो और जितने समय के लिए देते हो, उस विषय में आप उतनी ही गहराई से डूब जाते हो, उतनी ही गहराई से उस विषय को सीख लेते हो, उसके बारे में जान लेते हो। अब देखो, कोई अगर सिंगिंग सीखना चाहता है, उसे टाइम देना पड़ेगा। लोग पूरा पूरा जन्म निकाल देते हैं, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखता हूँ तो मुझे, मैं जब देखता हूँ लोगों को, हैरान रह जाता हूँ, अचंभित रह जाता हूँ कि 4-5 साल की उम्र से शुरू करते हैं लोग सीखना, और लोग बोलते हैं 60-70 साल की उम्र में कि अभी तक हम एक ही राग पे हैं, एक ही राग सीख रहे हैं। इट इज सच अ डीप स्टडी, बट व्हेन डू यू नो अबाउट इट? व्हेन यू गिव योर टाइम, व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम। तो आप जिस विषय को अपना जितना मन और जितना समय देते हो, उसके बारे में उतनी गहराई से जान लेते हो। अच्छा अभिषेक जी अभी टाइम दे रहे हैं लोगों को, लोगों के बारे में कितना कुछ जान गए होंगे आप। देखना, अब गृहिणियां जो हैं, होम मेकर्स जो होती हैं, वो खाना बनाने की जो कला है उसको अपना टाइम देते हैं, राइट? और कितना अच्छे से जान लेते हैं किस चीज में, कौन सी डिश में किस चीज की कमी है, वो पहचान लेते हैं कि नहीं। मुझसे पूछो बोलूंगा अच्छा है, कुछ कमी लग रही है, पता नहीं कौन सी क्या कमी है, राइट? तो आप जिस विषय को अपना जितना मन देते हो और जितना समय देते हो, आप उसके बारे में उतना ज्यादा जान लेते हो, राइट? अच्छा, हमने देखा कि छोड़ना कैसे है, ये हमने देखा पहले, कैसे छोड़ना है। सबके पास साधन है, सबको पता है व्हाट इज द वे, आउटगोइंग ब्रेथ। आप अपने बाहर जाने वाली श्वास के साथ जब जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा, मैंने ये टॉपिक भी इसीलिए चूज किया था क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ही ये है कि बार 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 कुछ भी हो, द क्वेश्चन रिमेन्स, कैन यू ड्रॉप इट? अच्छा, हैप्पीनेस कोर्स किया है, कितने लोगों ने हैप्पीनेस कोर्स किया है? आई शुड आस्क, कितने लोगों ने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया है? ओके, वेरी गुड, सभी ने किया है। तो हैप्पीनेस कोर्स में फर्स्ट डे ही जाके ये बात होती है ना, हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो दो ही कारणों से करते हैं। एक, या तो हमें पता होता है कि उससे खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हर्ष मिलेगा, या फिर उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि आगे चल के वो खुशी देगी, खुशी देगा वो काम। दूसरा कारण कि हम मुक्ति की आस में देखते हैं कि हम वो कार्य करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, या तो अभी या इस उम्मीद में कि वो कार्य करने से आगे चल के मुक्ति मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। मुक्ति का मतलब फ्रीडम मिलेगी, राइट? अच्छा, तो अब फ्रीडम किस चीज से चाहिए?
फ्रीडम के लिए क्वेश्चन ही ये आता है कि आप ड्रॉप कर सकते हो क्या। अब जैसे जैसे आप देखो, फ्रीडम फ्रीडम के लिए क्या चाहिए कि आप हॉलो एंड एम्प्टी रहें। हॉलो एंड एम्प्टी कैसे रहोगे? आप सुदर्शन क्रिया करो, आप ऋषि जी का आपने रिलीज प्रोसेस, अच्छा धर्मा सीरीज यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। अभी 1 to 10 September एक और बैच शुरू हो रहा है धर्मा सीरीज के लिए। ऋषि नित्य प्रज्ञ जी ने एक बहुत सुंदर 10 sessions का एक की एक सीरीज दी है, यूट्यूब पे है, बट हम लोग एक ग्रुप सेशन शुरू कर रहे हैं 1 से 10 September, तो यदि नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, रिपीट भी कर लेना। तो उसी के अंदर अंतिम जो है हमारा अंतिम जो सेशन है वो है रिलीज प्रोसेस पे, कि आप कैसे कुछ छोड़ सकते हो, कैसे आप अपनी आउटगोइंग ब्रेथ को यूज कर सकते हो कोई भी भाव छोड़ने के लिए, कोई भी वृत्ति छोड़ने के लिए। अच्छा, आप सुदर्शन क्रिया कर लें, आप रिलीज प्रोसेस करें, आप एडवांस कोर्स करने जाते हैं, अच्छा एडवांस कोर्स करने जाते हैं तो वापस आके कितना खाली लगता है, लॉन्ग क्रिया करते हैं गुरुदेव के पास में कितना खाली खाली लगता है, उसमें पता नहीं लगता हमें, लेकिन कर कह रहे होते हैं चीजें छूट रही होती हैं, पर कुछ चीजों को ना हमने ऐसे ऐसे पकड़ के रखा होता है अपने पास कि ये तो मेरा है। अच्छा पूछो, गुस्सा, हाँ आदत लगी हुई है, छोड़ना चाहते हैं, पर अगर सच में पूछो, वो बात कहते हैं ना कि हाथ में जलता हुआ कोयला है पर शायद अभी इतना हाथ जल नहीं रहा है कि उसे छोड़ दें, वही क्वेश्चन आता है, कैन यू ड्रॉप इट, डू यू रियली वॉन्ट टू ड्रॉप इट, एंड इफ येस आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट। ड्रॉप वॉट, ये आपको पता है। आज का प्रश्न, आज का क्वेश्चन ही ये है, आर यू करेजियस इनफ। यहां से शायद लोगों ने बोला है तो समझ आया है, यहां से पता लगा है क्या कि कुछ चीज़ समझ आ रहा है? तो अब आप देखो, कोई भी कभी भी कुछ भी देखो, हमेशा लोअर एनर्जी वाला कोई भी व्यक्ति होगा या कोई एक परिस्थिति है, कहीं एक एक, एक जगह में गए हुए लो एनर्जी है वहां पे, आपकी अगर हाई एनर्जी है तो आप उस लो एनर्जी वाली जगह को या व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हमेशा एक हाई एनर्जी वाला व्यक्ति लो एनर्जी वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर पाता है। एक हाई एनर्जी वाली कॉन्शियसनेस एक लो एनर्जी वाली कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस कर पाती है। आप जिस जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं आप देख लेना, उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, उस कॉन्शियसनेस की एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो अब बात यहां पे आती है कि आप अपनी अपनी एनर्जी को हाई कैसे रख सकते हो। अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, लो एनर्जी क्यों है? क्योंकि भाई इंडल्जेंस किया है इतनी सारी वृत्तियों में। लिस्ट तो आपको पता ही है षड रिपुओं की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद के 11 फ्लेवर्स और मत्सर, कितने सारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कशन हुआ है। कहीं ना कहीं इंडल्जेंस हुई है तो इस कारण एनर्जी ड्रॉप हुई है। आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप दैट इंडल्जेंस? बार बार प्रश्न तो यही है, क्या आप इतने साहसी हैं कि उसको छोड़ पाए? छोड़ना चाहते हैं ऊपर से क्योंकि दुनिया की सुन ली, वो तो ठीक है, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसे ज्यादातर दुनिया ग्रसित है, लेकिन बार 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 बार। अच्छा, आप अपने अंदर देखते हैं कितने लोगों को लगता है कि वो कितने लोगों को मोक्ष चाहिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कितने लोगों को लगता है मोक्ष चाहिए भाई मुझको तो अरे मुझे भी चाहिए पर मोक्ष क्या है? गुरुदेव
गुरुदेव का एक बहुत बहुत सुंदर सा एक सत्संग में उन्होंने बोला बहुत सुंदर से कि मोक्ष आप ना मोक्ष इज बीइंग फ्री राइट। आप हर पल मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर मोमेंट में मोक्ष की डेफिनेशन बदल जाती है। आप किसी से गुरुदेव ने उस सेशन में बहुत फनी वे में बहुत हंसी मजाक में बोला था, आप किसी से पूछो भाई कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी रोग से ग्रसित है, कोई अगर बहुत रोगी है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है किसी की, उसके लिए मोक्ष क्या है? उसको लगता है कि मैं तो लिबरेट हो जाऊंगा भाई, मैं तो गंगा नहा लूंगा, मेरा तो ये रोग दूर हो जाए, है ना। तो हर किसी के लिए डेफिनेशन बदल जाती है। बट ये मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट फ्रीडम एहसास करने का एक तरीका है, वो एक आदत ही है, एक आदत ही है। और सिद्धि सब में है। आप बार 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 वो अपने अंदर जगाते रहो फ्रीडम वाला भाव, तो आप फ्री धीरे धीरे आपको अंदर से ही लगेगा, अरे एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं। सिचुएशंस आती हैं, लोग आते हैं, पर कोई ना टच करके ऐसे निकल जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली गुरुदेव की एक सीरीज आई थी स्पंदकारिका, देखिए उसमें गुरुदेव, उसका इंट्रोडक्शन भी आप देखेंगे ना, उसमें गुरुदेव इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत स्पंदन है, वाइब्रेशन है, और इसमें एक जनरल वाइब्रेशन होती है, साधारण स्पंदन है, और एक विशेष स्पंदन है, स्पेशल वाइब्रेशन है। हम लोग क्या समझते हैं? गॉड इज स्पेशल वाइब्रेशन, वी आर द जनरल वाइब्रेशन, ऐसा लगता है ना। गुरुदेव ने बोला ऐसा नहीं है, वी आर द स्पेशल वाइब्रेशंस, गॉड इज द जनरल वाइब्रेशन, एंड द जर्नी इज फ्रॉम बीइंग स्पेशल वाइब्रेशन टू बीइंग जनरल वाइब्रेशन। जो हमारी यात्रा है वो विशेष स्पंदन से साधारण स्पंदन बनने की है। हमारी यात्रा सागर सागर बनने की है, एक लहर से। सागर में इतनी सारी लहरें उठी हुई हैं, उन एक 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 लहरों से सागर हो जाने का अनुभव होना, वो हमारी यात्रा है। अच्छा, विशेष से साधारण कैसे बनेंगे? अपनी विशेषता छोड़ के। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी कहो, आपका कोई राग हो कोई द्वेष हो, ये जीवन में है तो बंधन ही। द्वेष सबको बंधन लगता है कि भाई इससे तो इससे 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 मुक्त होना है, पर आप अगर और गहराई में जाना चाहो, ये ना बहुत बहुत गहरी बात है, काफी हाई लेवल की बात है। आप अगर अपने साथ सच में बैठेंगे, जैसे अभिषेक जी ने एक 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 टर्म यूज की थी स्टार्टिंग में, स्वाध्याय, यदि आप सच में स्वाध्याय करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि राग भी तो बंधन ही है। आपने ये जो इतने सारे, आपको अगर कुछ खाने से राग हो गया है, वो भी तो बंधन ही है। इससे जस्ट ऐसे ही याद आया, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा आपने, है ना। उनको क्या चाहिए था जीवन में? कुछ नहीं। तो उन्होंने, उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोला था, उन्हें शरीर में रहने के लिए एक राग की जरूरत थी, वरना ही शरीर में जरूरत ही नहीं, आप रह ही नहीं पाओगे। तो उनका वो राग हुआ खाने से। उन्होंने, उनके पास कुछ भी खाना लेके जाओ ना,
तो रामकृष्ण परमहंस जी एकदम खुश हो जाते थे, उनका दिल जीतना हो ना खाना लेके चले जाओ, कुछ एक स्वादिष्ट खाना बंगालीज। तो ये कहने को तो अब उनका क्या था, उनको इस शरीर में रहने के लिए एक राग की जरूरत थी, पर अगर उससे आप सीखना चाहो तो क्या एक राग भी आपके लिए बंधन है? तो फर्स्ट लेवल तो क्या है, पहले तो अपने द्वेष जिन जो एक एक जनरल फिनोमिनन है उनके बारे में पहले आप बैठें, थोड़ा और मनन करें, स्वाध्याय करें, करते 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 समझ आएगा हाँ मेरे अंदर ये शायद थोड़ा ज्यादा है, ये शायद थोड़ा कम है, तो पहले इसको क्रोध थोड़ा ज्यादा है, मोह है पर थोड़ा कम है, तो पहले क्रोध के ऊपर काम करता हूं। पहले क्रोध काम क्या करना है, उसको छोड़ना है। छोड़ने की टेक्निक, छोड़ने की तकनीक क्या है, बाहर जाती हुई श्वास। और ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो यूट्यूब पे धर्मा सीरीज है ऋषि नित्य प्रज्ञ जी की, वो देखें। बाहर जाती हुई श्वास के साथ आप छोड़ सकते हैं, वो छोड़ते 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 आप देखेंगे कि वो वृत्ति की पकड़ आपके ऊपर ढीली होती चली जाएगी, और एक बार वो छुट्टी आप उसके साथ में दूसरी पे काम करने लग जाओ। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपने साथ बैठना, स्वाध्याय करना। सबने बोला हमें मोक्ष चाहिए, अच्छा सबको पैसों की जरूरत होती है, नौकरी करते हैं सब, कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम करने के लिए आप अपना समय, वो बोलते हैं ना हमारे पास तीन ही चीजें हैं, हमारा मन, हमारा समय और हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, यही तीन चीजें हैं। तो हम वो पैसा कमाने के लिए, अर्थार्जन के लिए कितना समय दे देते हैं, दिन में 8 से 10 घंटे देते हैं ना, ओके आप कुछ कितना 1.5 लाख 2 लाख, मैं बोलता हूँ 5 लाख रुपए महीना भी कमा लेते होगे, करोड़ों कमा लेते होगे महीना, उसके लिए आप दे रहे हो 8 से 10 घंटे 12 घंटे। आप बोल रहे हो आपको मोक्ष चाहिए, क्या कर रहे हो उसके लिए? और तरीका क्या है, छोड़ना। और प्रश्न क्या है, कैन यू ड्रॉप इट, आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट, इतना साहस है क्या भाई कि खुद से आमना सामना कर पाओ और जो ऊपर आए उसे छोड़ पाओ? सुनने में एक एक सेंटेंस है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कैन यू ड्रॉप इट, लाइफ टाइम निकल जाते हैं। फाइनली इट कम्स बैक टू पुरुषार्थ, करेज, वैलर। सिद्धि है, जगा सकते हो, जगाओ, छोड़ दो। तो फाइनल फ्रंटियर इज बैठो अपने साथ और जो बाहर आए, चाहो तो शुरुआत में ये प्रश्न भी पूछ लो, क्या ये रियल है? आंसर आएगा नहीं, आई एम श्योर, अभी तो काफी टाइम से हम बैठ रहे हैं, इज इट वर्थ कीपिंग इट, 100% गारंटीड आंसर आएगा नहीं। पर तीसरा तो खुद के पुरुषार्थ और खुद के करेज पे डिपेंड करता है, आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट, अगर हाँ तो बैठो। और इस सब में ना आप एक एक और क्वेश्चन पूछ ही सकते हो खुद से, कभी भी कोई भी अप्रसन्नता उठी, कोई भी वृत्ति आपके सामने आई, तो हमेशा एक कंपैरिजन कर लेना, कुछ भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव भाव उठ रहा है तो क्या कर रहा है, आपकी प्रसन्नता को आहत कर रहा है। यस यस
तो एक कंपैरिजन कर ही लेना कि आपकी अप्रसन्नता का वो कारण ज्यादा वैल्यूएबल है क्या, या आपकी प्रसन्नता ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर प्रसन्नता को ज्यादा महत्व देते हैं तो बैठो। बहुत एक ना बहुत सुंदर, बहुत सारे लोगों से सुना और काफी सीनियर टीचर्स हैं, हम ऋषि जी ऋषि नित्य प्रज्ञ जी के साथ में काफी समय से जुड़े रहे, तो उनसे बहुत बार सुना कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, ये एक्चुअली आर्ट ऑफ लीविंग है, छोड़ने की कला। आप छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, काम बन जाता है। वो छोड़ते रहने की प्रक्रिया ही आर्ट ऑफ लिविंग हो जाती है। और हमारे पास पांचों सिद्धियां हैं, मन ऊर्जा माइंड एनर्जी और टाइम समय, हमारे पास तीनों तीन ही साधन उपलब्ध हैं, दो जहां पर देना है आपको। अब जैसे आपके पास ऑप्शंस थे कि आप और भी कुछ कर सकते थे इस टाइम पे, बट आपने चूज किया कि आप वो छोड़कर आप यहां पे बैठोगे। एंड ये जेन्युइनली मेरा एक क्वेश्चन है, यहां पर आप बैठे तो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? तो भाई हाँ, सत्संग में बैठे हैं तो वैल्यू एडिशन तो होता ही है, और कुछ हो ना हो एनर्जी चढ़ जाती है भाई। कहते हैं ना हमारे पास साधन तो वही साधना सत्संग सेवा, साधना से एनर्जी चढ़ाओ, सत्संग से एनर्जी चढ़ाओ, और फाइनली सेवा में लगाते रहो, वहां से फिर कुछ मेरिट मिलेगा, वापस साधना और डीप होगी, तो साधना में जाओ गहरे ध्यान में जाओ और एनर्जी चढ़ाओ, फिर सेवा में लगा दो। सेवा के बारे में तो बहुत डिस्कशंस हुए होंगे नो, ऋषि जी बहुत सुंदर शब्दों में समझाते थे सेवा मतलब क्या, स इवा, उनके जैसा हो जाने की प्रक्रिया, उनके जैसा गुरुदेव के जैसा। अच्छा, गुरुदेव के जैसा क्या, उनको देखो ना, उनकी हर एक श्वास जन कल्याण के लिए लगी हुई है, उनको आप कभी खाली खाली नहीं देखोगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और कभी कभी तो एक जगह बैठ के 10 जगह का काम कर रहे होते हैं। तो उनके जैसा हो जाने की प्रक्रिया ही सेवा है, और सेवा कैसे होगी, जब आप खाली हो जाए, खाली कैसे होंगे, बाहर जाती हुई श्वास के साथ छोड़ते रहो, पर छोड़ने से पहले द क्वेश्चन दैट रिमेन्स इज कैन यू ड्रॉप इट। यस अभिषेक जी, ओवर टू यू। ये आपने बहुत सिंपली बता दिया। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कई जरूर बार ना कोई हमें चोट पहुंचाता है अपने वाणी से, तो हम हमारा माइंड ना उस टाइम में सोचता है कि अरे इसने कैसे बोल दिया, भूल जाओ भूल जाओ। लेकिन ना उस वो इमोशन जो नहीं होता है कि मुझे ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये एक्ट करना चाहिए था, ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। या फिर फ्यूचर के बारे में उस टाइम में चलता है कि नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं उससे ये जवाब दूंगा, वो बोलूंगा ऐसे। तो जब भी ऐसा जो पिन सिचुएशन आता है ना, उस सिचुएशन में हम अगर बोलते हैं कि हम इसे ड्रॉप कर देते हैं, चलो जाने तो हमें ऐसा लगता है कि हम लूजर हो गए। हमने मींस ये जो नहीं है, जो एक एक एक्ट करना चाहिए था, उस किसी ने मेरे को गुस्सा किया तो मुझे भी और दो का चार बोलना चाहिए था, वो मिस कर दिया पॉइंट, मैं थोड़ा सा वीक हो गया। लोगों को हाँ। लगता है, तो आप क्या कहना चाहोगे उस टाइम में, इज इट वीकनेस? ये एक्चुअली जनरली आप देखेंगे ऐसा ही होता है, पर ये जो अंदर से आ रहा होता है ना, ये अंदर का ये जो गुस्सा और ये जो लगता है कि अरे किसी ने हर्ट कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप ही लोगों से पूछता हूं,
एक गिलास पानी है, उसकी बॉटम में कुछ कुछ गंदगी रखी हुई है, ठीक है, ऊपर से जम गई है नीचे, ऊपर पानी ठीक हो गया पर नीचे नीचे रेत जमा हुआ है। चलो दूसरा गिलास एकदम साफ पानी है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। आप चम्मच लेके गए, दो चम्मच ली, एक एक डाली, पहले जो जिसमें रेत थी उसको मिलाया, दूसरा दूसरी चम्मच से आपने, कौन सा पानी गंदा होगा? रेत वाला पानी गंदा होगा। तो सामने वाला कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आपके अंदर जो एक एक विक्टिम था ना, आपके अंदर जो क्रोध वाली वो एक वृत्ति थी, उसने सिर्फ वो चम्मच लेके उसको घुमा दिया है। और आप जो अभी कर रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसे पर अध्याय कहते हैं। आप देख रहे हो, अरे भाई वो तो है ही, एक बिच्छू है, वो काटेगा? कैन यू चेंज अ स्कॉर्पियंस नेचर? यू कैन नॉट। इफ स्कॉर्पियन वॉन्ट्स ही कैन चेंज, इट कैन चेंज इट्स नेचर, बट कैन यू चेंज इट्स नेचर? तो भाई नहीं। बट कैन यू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ? यस। तो आपके अंदर जो गुस्सा, आपके अंदर जो एक एक वो, अच्छा मैं वो लिस्ट बोल ही देता हूं अभी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, मद के जो 11 फ्लेवर्स हैं, ईगो के जो 11 फ्लेवर्स हैं, तो क्या सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, गिल्ट, विक्टिम, है ना, अलूफनेस, अलूफ हो जाना, कंप्लेनिंग, डिफेंस, अटैक, जजमेंटलनेस, डूअरशिप और सेल्फ ओरिएंटेडनेस। ये 11 फ्लेवर्स धर्मा सीरीज जब आप देखेंगे तो बहुत गहराई में उतरे हैं ऋषि जी इनको लेकर, कि एक एक का क्या क्या मतलब होता है। तो जैसे ही सामने वाला कुछ बोल देता है, उसने मुझे कैसे बोला? अच्छा, सामने कुछ नहीं बोल पाए, क्यों नहीं बोल पाए? अपने अंदर का वो बेचारापन जग गया, वो छोटापन आ गया। पर क्या था? अच्छा, वहां पे 10 लोग थे, सेम बात बोली, सेम बात वो शायद किसी तीसरे को बोलेगा, उसके अंदर वो विक्टिम नहीं जगेगा उसके अंदर, क्योंकि वो अभाव था ही नहीं, वो वृत्ति थी नहीं। अच्छा, आई विल टेक द हाईएस्ट एग्जाम्पल, गुरुदेव को किस किसने क्या क्या बोला है सब जानते हैं यहाँ पे, उनके अंदर इतना भी कुछ हिला क्यों? अंदर कुछ था ही नहीं हिलने लायक, वो रेत वाला रेत था ही नहीं कि मिलाया, और फिर किसी ने स्टर किया पर पानी तो साफ था भाई, कुछ हुआ ही नहीं। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अभिषेक भैया। यस भैया, ये क्या है ना, आपने ये बात बता के एक माइंडसेट तैयार कर दिया। तो ये इसलिए ज्ञान सुनते रहना बहुत जरूरी है कि भूल जाते हैं मोमेंट। अभिषेक भाई, आई वुड से ज्ञान सुनना जरूरी है, पर ज्ञान भी ना, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, ज्ञान इज लाइक दैट सोप, आपके ऊपर आपका शरीर थोड़ा गंदा हो गया है, मैला हो गया है, आप साबुन लगाते हो, पर साबुन लगाने के बाद भी अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर पानी साफ है या पानी गंदा है, उसके पानी गंदा वापस से डालोगे तो वापस शरीर गंदा ही होगा, वो गंदा पानी इज इग्नोरेंस। ज्ञान का साबुन लगाए रखोगे तो भी आप गंदे गंदे ही रहोगे, गंदा पानी इग्नोरेंस में आ जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना वो एरोगेंट हो जाते हैं, ऊंचा सर हो जाता है, मैं तो जानता हूँ, वो ज्ञान ज्ञान में ना वो इग्नोरेंस है। अब आप साफ पानी, ह्यूमिलिटी वाला लेकर आओगे, उससे जब साफ करोगे ना, खाली हो जाओ, वो साबुन भी गई साथ में गंदगी भी गई और प्योर हो गए। एक इसी के लाइन में एक क्वेश्चन आया है, जरूर। ये थोड़ा सा इस पॉइंट में मैं भी आने वाला था। एक प्राइवेट मैसेज भेजा है मुझे। इफ एट वर्किंग प्लेस लेग पुलिंग जो होती है, हाउ टू लीव दैट ट्राइंग बट फेल आफ्टर डूइंग सहज एंड मेडिटेशन।
प्लीज सजेस्ट। अब देखो, दो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं हमेशा। एक जो आप बोल रहे हो हाउ टू इग्नोर, या फिर उन्होंने क्या बोला एग्जैक्ट वर्ड, हाउ टू लीव इट, राइट? हाँ, ये उन्होंने बोला है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ चैट बॉक्स में। आई थिंक हाँ, इफ एट वर्क प्लेस लेग पुलिंग इज गोइंग हाँ, हाउ ऑन, टू लीव दैट मेरे हाउ पास टू दिया लीव है। दैट ट्राइंग बट फेल आफ्टर डूइंग सहज एंड मेडिटेशन ऑल्सो प्लीज। हाँ, सहज एंड मेडिटेशन कर रहे हैं आप, देखें। अच्छा, उसके ऊपर मैं कमेंट करता ही नहीं। आप देखिए, आपका सहज, आपका मेडिटेशन, आपकी क्रिया कितनी गहरी है वो आप देखें। पर साथ में जो अभी अभिषेक भैया कह रहे हैं ना, वो गंदगी लगी है, कुछ है फाइनली आपके अंदर की वृत्ति। आप उसी लेग पुलिंग को, अच्छा कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप अपना खुद का मजाक उड़ा लो एक बार, उनके सामने खुद पे हंस के देखो, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हो क्या रहा है। इट्स लाइक दैट डॉग जो गली में जब कार तेजी से जा रही होती है ना, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन अगर आप एक बार कार रोक दो, वो कुत्ते को समझ नहीं आता अब करूं क्या, फिर आप धीरे धीरे निकल जाओ। होता है ना ऐसा? आजकल तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए, मेरे को 3 दिन पहले 4 दिन पहले ऐसा आर्टिकल आया, व्हाट टू डू इफ अ डॉग चेजेस यू इन अ स्ट्रीट इफ यू आर ऑन अ व्हीकल। तो ये वैसा ही है। अब कोई आपको कुछ बोल रहा है, व्हाट टू डू, मैं तो एक्चुअली फाइनली एक ही बात बोलूंगा, आप खुद स्वाध्याय करने बैठो, आप खुद खाली हो जाओ, आप अपने अंदर की उस रेत पर काम करो, उस मिट्टी पर काम करो, और धीरे धीरे हो सकता है वो स्टर हो, पर स्टर होगी तभी ना समझ आएगा रेत है, तो आपको समझ आएगा हाँ अभी भी बाकी है, खाली हो ना भाई, तो अच्छी बात है, यू शुड बी थैंकफुल टू देम। मैं तो बोलता हूँ कि उनके कारण, अच्छा वो उनकी वृत्ति, अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम, व्हाट कैन यू डू? सहज मेडिटेशन ऑफकोर्स, आपके मन की जो स्थिति है वो उत्तम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो किस किस लेवल पे काम करता है उसके बारे में गुणगान करते रह सकते हैं, गुरुदेव ने जो ये मार्ग बना रखा है। तो सहज और मेडिटेशन बिल्कुल करना है, पर आपकी जो ज्ञान एब्जॉर्ब करने की और समझ लेने की जो ताकत है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप और ज्यादा ध्यान करते हो। तो ये जो ज्ञान है ना, सिर्फ सुन लेने से नहीं है, आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। वो एक ऋषि जी धर्मा सीरीज में ही समझा रहे हैं कि एक स्टूडेंट, आपको ज्ञान कैसे सुनना चाहिए, एक स्टूडेंट बन के, एक छात्र बन के, विद्यार्थी बनकर, वो बोलते हैं स्टूडेंट कैप ऑन रखो और टाइट कर लो, कहीं हवा, जो इग्नोरेंस के हवा के झोंके हैं वो उड़ा के ना ले जाएं। तो स्टूडेंट के 3 लक्षण बताए उन्होंने, क्या? श्रवण, मनन और निधिध्यास। श्रवण क्या? आप सुनते हैं कुछ चीज, सुनी जैसे अभी सुन रहे हैं। मनन कॉन्टेम्पलेशन, उसके ऊपर सोचना कि वो आपके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है। निधि ध्यास, निधि इज वेल्थ, ध्यास मतलब उसको साध लेना, उस वेल्थ को, उस निधि को आप अपने जीवन में उतार लो, उस निधि को साध लो, वो निधि ध्यास। तो श्रवण कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी बोला हुआ है, आटे में जितना नमक होता है उतना श्रवण होना चाहिए, और जितना आटा होता है उतना मनन होना चाहिए, तब जाके खाने लायक रोटी बनती है, और उस रोटी को अपना पार्ट बना लेना, खा लेना, वो निधिध्यास। तो नॉलेज विल हेल्प हियर राजपाल जी, नॉलेज विल हेल्प, पर आपको उसके ऊपर एक्ट करना होगा, सिर्फ सुन के नहीं। मेरे टीचर ने बोला था, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और अंदर से अंदर गुस्सा भरा हुआ है, नहीं मैं तो एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सहज होना पड़ेगा। सहज आप अंदर से होंगे, कब होंगे, जब आप अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं पता लगती रहेंगी उसके कारण, उसके बाद आप उसको ड्रॉप करते रहो, ड्रॉप करते रहो। आई वुड एक्चुअली कम बैक टू दैट सेम क्वेश्चन, आप अपने अंदर के पुरुषार्थ को एक बार चेक कर लेना,
आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट? फिर ड्रॉप कर दो, और जैसे जैसे आप ड्रॉप करते रहोगे ना, यू विल सी कि वही ऑफिस में उन्हीं कलीग्स के साथ में आपके संबंध इतने अच्छे हो जाएंगे, आपको शायद उन्हीं सब सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी. हाउ टू बी डिटैच्ड बट नॉट अलूफ? व्हाई डू यू वांट टू बी डिटैच्ड? बिकॉज अटैचमेंट से प्रॉब्लम हो रही है. अलूफनेस क्या है? जहां मैं आ गया, वो ईगो वाली बात आ गई ना. जब कॉन्सेंट्रेशन आपके ऊपर हो, जब आप किसी के साथ में डिटैच हो गए, वो आप बोल रहे हो ना हाउ टू बी डिटैच्ड. आप अगर डिटैच्ड हो किसी से ना, वो अलग हो गए, सेपरेशन, डिटैच्ड भी नहीं. आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट करके हो जाएगा ना ऑपोजिट्स. उस डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेपरेशन वाली बात कर रहा हूँ. जब आपको सामने वाले से सेपरेशन समझ आने लगे, और अकेले रहने, मेरे को तो अपने पास ही रहने, मेरे को तो यहीं पे रहने दो. 10 लोग हैं बात कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप ऐसे बैठ गए, मेरी बात नहीं सुन रहे, उसको अलूफ होना बोलते. डिटैच होना मतलब क्या? डिटैच जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है ना, जब आप प्रेम करते हो सच में, आप किसी के लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. लव इज एक्चुअली इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप किसी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तो उसके साथ अटैचमेंट उतना नहीं होता. जैसे जैसे आपको दिखे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल गिर रहा है, उसके प्रति आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी वाली भावना आने लगी है, वहां अटैचमेंट आ जाता है. वो अटैचमेंट का प्रतीक है. अच्छा, हाउ टू बी डिटैच्ड? बी इन नॉलेज, कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस. और कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ एक बार करके देखो, आंख बंद करके. आप जिसे मानते हो, मैं गुरुदेव को मानता हूँ, गुरुदेव का आह्वान करके उनको प्रार्थना डाल के देखो, नहीं हो रहा है मुझसे. जब वो इंटेंस प्रार्थना जब जाएगी ना, पूछ के देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, उनसे क्या क्या हो रखा है उनके जीवन में उस प्रार्थना से. यस अभिषेक जी, वंडरफुल वंडरफुल भैया, इतना जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ. बहुत सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, तो वैसे थोड़ी समय की सीमा है हमारी, तो उस वजह से हम, वैसे तो चलता ही जाएगा ये, तो ऐसा है. एक भक्तों को जब ज्ञान मिलता है, सब लोग जब नॉलेज सुनते, इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कि और ग्रहण करें और सुने. यस, सो कुछ लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक बार अनम्यूट का ऑन कर देता हूँ. आप लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड. हाँ, स्वर्णा दीदी, स्वर्ण लता दीदी, इतने यंग एज में इतना अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा लगा. इतने इतना नॉलेजेबल है, सबका आंसर कितने एप्टली दे रहे हो, बहुत अभिमान हो रहा है. यंग बच्चे लोग इतने अच्छे से ज्ञान हम लोगों को बहुत सीखना है. ऋषि नृत्य पहिया का भी मैं सुनी हूँ, आपका भी सुनी हूँ, सेम लग रहा था और अच्छा लगा. बहुत अच्छा आंसर्स दिए आपने. और एक बार फिर से आना, आप जरूर आना. यस, डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, वंडरफुल सलाह दे रहे. हर्ष जी, ऐसा लग रहा था कि 20 साल पहले अष्टावक्र गीता सुनता था मैं और ट्रांसलेट करता था जब टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तो बिल्कुल अष्टावक्र गीता सामने आप सुना रहे थे और बस डिटैच होते जा रहे थे और मन को खाली कर दिया आपने आज पूरी तरह से. थैंक यू. वंडरफुल. सुमित कपूर जी. जय गुरुदेव भैया. Since you have learned classical music, you would like to have some singing. कुछ आप सुनाइए ना हम. Yes, yes. लेकिन उससे हम conclude करेंगे एक छोटे से दो लाइन भैया के सिंगिंग पे. उससे पहले बहुत जन ने हैंड रेज किया. राजपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव हरि जी.
ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको आपके उसमें ऋषि जी को सुन रहे हैं, ऋषि जी की वही बातें जैसे ऋषि जी बोलते हैं वही उसी स्टाइल में आप बोल रहे हो, और एज के हिसाब से आपका ज्ञान बहुत ऊपर है वाकई में। बहुत बहुत प्रणाम, गुरुदेव ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है जी, बने रहिए ऐसे, दोबारा फिर इस सेशन में आइए। यस 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 सुधा दीदी। यस मुझे तो अच्छा लगा कि आप इतने यंग एज में इतनी नॉलेज और इतने सिंपल शब्दों में सब एकदम सबको समझने जैसा बोला, और हमको इंटरैक्टिव कर दिया, बहुत अच्छा लगा। आप और एक बार आइएगा, वही हमारा इच्छा है। और धर्मा सीरीज का सेशन कभी है वो डेट अभिषेक जी के पास बता दीजिए, हम लोग अटेंड करेंगे। उसके लिए और एक मैसेज आया था तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। एंड जो भी लोग अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा सेशन है जो सब तक पहुंचना चाहिए। ये सेशन देखने के बाद लोग पक्का अपलिफ्ट तो होंगे ही होंगे, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। दूसरी चीज, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, हम लोग रोज ऐसे सेशंस लेके आ रहे हैं, आपके मोबाइल में घंटी बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा सत्वा टॉक्स ऑन हो गया है, आप आके ऐसे सेशंस फिर अटेंड करेंगे। एंड यस हर्ष भैया प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, जाने से पहले कुछ दो लाइन और कुछ अगर आप सिंगिंग के थ्रू हम इसको अगर एडिट कर पाए तो। यस प्लीज अनम्यूट। मैं बोलता हूँ थोड़ा अच्छे से सुनाते हैं, अगली बार फिर से आते हैं। जैसा भैया हम, मैं अगली बार आता हूँ, मैं एक बार फिर से आता हूँ। यस फिर हम मस्ती करेंगे, दो लाइन से नहीं होता। चलो भैया एक बहाना मिल गया आपको दोबारा बुलाने का, जरूर जरूर। भैया कुछ मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते? हाँ, आई होप इट वॉज इट एडेड दिस सेशन एडेड सम वैल्यू टू यू। एंड यस आई एक्चुअली ओ एवरीथिंग टू ऋषि जी एंड गुरुदेव। ऋषि जी हमेशा कहते थे हम जो भी मेरे थ्रू फ्लो हो रहा है ना, ऐसा समझ लो गुरुदेव है, क्योंकि जो जो मेरे जीवन में हुआ है। एंड वो जब भी ये लाइन बोलते थे ना, इनवेरिएबली उनकी आंख से आंसू छलकते थे, वो प्रेम के आंसू देखे हैं हमने। आय हाय, जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द मेरे गुरुदेव का है। तो बस एक चीज कि सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा, आप सुने बहुत अच्छी बात, वो साबुन तो लगा लिया, उसके बाद साफ पानी से उसे धो। गुरुदेव ही बोलते हैं ना, नॉलेज भी बंधन ही है, उससे भी मुक्त हो जाओ। किसी को मुक्ति चाहिए ना तो चाहिए।